वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के इस वीडियो में जीके जीएस के लगभग 30 सवालों को हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऐसा सवालों को आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? राइट आंसर है हाथी। आगे सवाल है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? सही आंसर है विद्युत। आगे सवाल है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है हेनरी सीले ने। आगे सवाल है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? सही आंसर है पंचतंत्र। आगे सवाल है, शून्य की खोज किसने किया? सही आंसर है आर्यभट्ट ने। आगे सवाल है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सही आंसर है मेगास्थेनीज। आगे सवाल है, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? सही आंसर है न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्कों या धातुओं का अध्ययन किया जाता है। आगे सवाल है, हितोपदेश के लेखक कौन है? सही आंसर है नारायण पंडित। आगे सवाल है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? सही आंसर है भरत मुनि ने। आगे सवाल है, विक्रम संवत कब शुरू हुआ? सही आंसर है 58 ईसा पूर्व में। आगे सवाल है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है कंबोडिया में। आगे सवाल है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? सही आंसर है कुषाण राजा कनिष्क। आगे सवाल है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? सही आंसर है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है इसी के कारण। आगे सवाल है दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? सही आंसर है बढ़ता है। आगे सवाल है, प्रत्येक क्रिया के बराबर वे विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? सही आंसर है तीसरा नियम। आगे सवाल है, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? सही आंसर है गंधक। आगे सवाल है, उगते हुए डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आगे सवाल है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? सही आंसर है हेनरी बैकलर ने। आगे सवाल है,
दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? सही आंसर है 5। आगे सवाल है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? सही आंसर है एक औतल लेंस की भांति। आगे सवाल है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? सही आंसर है विशिष्ट गुरुत्व का। आगे सवाल है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? सही आंसर है 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 2 गुना हो जाता है, ये आपने कहीं पढ़ा होगा। आगे सवाल है, कारों ट्रकों और बसों में ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? सही आंसर है उत्तल दर्पण। आगे सवाल है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? सही आंसर है उपधातु। आगे सवाल है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? सही आंसर है थियोफ्रेटस। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? सही आंसर है इस्पात में। आगे सवाल है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खा रहा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही आंसर है कोणीय वेग बढ़ जाएगा। आगे सवाल है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनी जाएगी, बहुत दूर तक सुनाई देगी, सुनाई नहीं देगी या धीरे धीरे सुनाई देगी? इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने मित्र जनों में शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।